आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ठंड के मौसम का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला एकदम खस्ता और क्रिस्पी ताजे हरे मटर का पराठा। और ये पराठा मैंने एकदम नए और एकदम आसान तरीके से बनाया है। तो चलिए आज किस मजेदार से ताजे हरे मटर की पराठे की रेसिपी को बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने चैनल दीक्षांत किचन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज किस मजेदार से ताजे हरे मटर की पराठे की रेसिपी को बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सा मटर का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी के करीब मटर लिए थे, जिसका मैंने छिलका उतार के मटर को बढ़िया से पानी से धो लिया था और मैंने मटर का सारा पानी भी अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे गैस पर एक पैन, जिसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और जीरे को हम अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। जैसे ही जीरा तड़क जाएगा, अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे। और अब हम अदरक और हरी मिर्च को तब तक पकाएंगे जब तक कि अदरक और हरी मिर्च का कच्चा पन्ना निकल जाए और अदरक और हरी मिर्च अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो चलिए, जैसे ही अदरक हरी मिर्च पक जाएगा, अब हमने जो मटर लेके रखे थे ना, इसी समय पर हम इसमें वो भी डाल देंगे और मटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी आप मटर के पराठे बनाते हो तो जो मटर है ना, आप उसको मसालों के साथ जब पकाते हो, हल्का सा फ्राई करते हो, तो मटर के पराठों में मटर का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए, मैंने मटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, तो बस इसी समय पर हम इसमें मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक, आप चाहे तो काला नमक भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड्स, क्या है, अगर आप मटर की स्टफिंग में हरी मिर्च डाल रहे हो तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर स्किप कर सकते हो। और अब इसमें सबसे ज़रूरी जाएगा आमचूर का पाउडर, तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर डाल दिया है। ज़रूर डालिएगा आमचूर का पाउडर, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा पराठों में। और अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाले का पाउडर, और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मटर के साथ मिक्स कर देंगे। और अभी मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है। तो चलिए, मैंने सभी मसालों को अच्छी तरीके से मटर के साथ मिक्स कर दिया है, तो बस इसी समय पर हम इसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मान के चलिए लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब। पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि जो मसाले हैं ना वो जले ना, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब आप ये जो थोड़ा बहुत भी पानी देख रहे हो ना, इसको हम अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारी मटर की स्टफिंग बन चुकी है, तो बस अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने लिया यहाँ पर एक चॉपर, और फ्रेंड्स क्या है, आजकल तो चॉपर हर किसी के घर में मिल जाता है। तो अब हमने जो मटर को हल्का सा फ्राई करके रखा था ना, वो सारा मटर लेंगे और इस चॉपर में डाल के इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, आप वैसे तो आप मटर को मिक्सी में भी पीस सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी मटर का पेस्ट बन जाता है, तो इसलिए चॉपर ही काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो बस मटर को अच्छी तरीके से हम चॉपर में दरदरा सा पीस लेते हैं। और ये लीजिए, मैंने मटर को अच्छी तरीके से चॉपर में पीस लिया, और ये देख सकते हो, जैसे ही मुझे मटर के पराठों के लिए मटर की स्टफिंग चाहिए थी, बिल्कुल वैसी स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। देख सकते हो, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी टेस्टी भी लग रही है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी मटर की स्टफिंग बन चुकी है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जहाँ पर हम सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल, जिसमें मैंने डाल दिया है सबसे पहले 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया है। बेसन से क्या होगा, जो हमारे पराठे हैं ना, वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दिया है, और बस सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बढ़िया सा आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है, जब भी आप पराठों के लिए आटा गूंदे, एकदम सॉफ्ट आटा गूंदे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आटे को अच्छी तरीके से गूंद लिया, और आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट आटा गूंद करके तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे इस तरीके से, इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, काफ़ी लचीला हो जाएगा, जिससे हमारे पराठे काफ़ी बढ़िया बनेंगे। तो चलिए, आटा गूंद करके है बिल्कुल तैयार, तो अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस पर, जहाँ पर हम पराठे बना लेंगे। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले लोई बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए, आप उतनी बड़ी लोई बना के तैयार कर ले। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक लोई बना के तैयार कर लिया, तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से लपेट लेंगे। तो चलिए, मैंने लोई को अच्छी तरीके से सूखे आटे में लपेट लिया। अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा बड़ा सा रोल कर लेंगे इस तरीके से। तो चलिए, मैंने इस लोई को थोड़ा सा बेल लिया है, और अब हमने जो मटर की स्टफिंग बना के तैयार की थी ना, वो इसके बीच में रख देंगे, बढ़िया से स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए, देख सकते हो आप। तो चलिए, मैंने इसके बीच में मटर की स्टफिंग भर दी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी प्लेट्स बना लेंगे इस तरीके से, जैसे हम मोमोज की प्लेट बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम तरीके से। और ये सभी प्लेट बना के इन सभी प्लेट्स को ऐसे बीच में ले आएंगे,
और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है ना ऊपर का उसको हटा देंगे इस तरीके से और इसको चपटा कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये मतलब कि जो लोई है इसमें स्टफिंग भर के बढ़िया से पैक हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना, शुरुआत में इसको हाथों से ही बड़ा करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है और इसको शुरुआत में हाथों की सहायता से ही बड़ा करते जाएंगे, क्योंकि अगर आप शुरुआत में बेलन का यूज़ करोगे ना तो आपके पराठे फट जाएंगे। तो चलिए मैंने इसको हाथों की सहायता से हल्का सा बड़ा कर लिया है और अब हम इसमें बेलन का यूज़ करेंगे। तो देखिए बेलन का यूज़ भी ना आपको काफ़ी ध्यान से करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है पराठे को, वरना आपका पराठा फट जाएगा, बिल्कुल भी वजन नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पराठे को हम बेलते जाएंगे इस तरीके से, देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक पराठे को बेल लिया इस तरीके से, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रहा है हमारा पराठा, जितनी भी स्टफिंग थी ना वो ऊपर की ओर झांकने लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। और देखिए पराठे की मोटाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रखी है, क्योंकि जो पराठा है वो थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैंने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इस पर आराम से बिल्कुल पराठा डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। शुरुआत में तेल या घी कुछ नहीं लगाएंगे, 2 मिनट बाद हम पराठे को पलट लेंगे और अब हम क्या करेंगे ना इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हो इसके ऊपर, अच्छी तरीके से इस पर ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, बढ़िया से पराठे को क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और अब क्या करेंगे इसको पलट लेंगे पराठे को बढ़िया से, इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के घुमा घुमा के बढ़िया से पराठे को, जब तक पराठा क्रिस्पी ना हो जाए ना तब तक इसको सेकेंगे। दोबारा से इस पर ऑयल लगाएंगे, पराठे को अच्छी तरीके से दबा दबा के पलट पलट के बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है पराठा, सारी स्टफिंग ऊपर की ओर झांकने लग रही है और कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक पराठा सेक करके तैयार है, तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे सेक करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ पर मैंने सभी मटर के क्रिस्पी से पराठे सेक करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो मटर के पराठे कितने खस्ता लग रहे हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं, कितने बढ़िया और कितने टेस्टी लग रहे हैं। और मैं आपको एक पराठा तोड़ के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए जो हमने पराठों में मटर की स्टफिंग भरी थी वो चारों तरफ इक्वली फैल चुकी है, ये देखिए कितनी बढ़िया कितनी टेस्टी स्टफिंग भी लग रही है। और हमारा पराठा देखिए कितना बढ़िया कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, और खाने में भी काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इस पराठे का। तो फ्रेंड्स एक बार तो ये पराठा है ना जो मटर का, आप अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा इस सर्दी में। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की इस मटर के पराठे की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये मटर के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने चैनल दीक्षांत किचन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई और एकदम मज़ेदार रेसिपी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीक्षांत किचन।